ओके, वेलकम टू द मालवी एकेडमी। मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इवोल्यूशन का जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट सेशन है एमसीक्यू का, पीवाईक्यू एमसीक्यू का, उसका हम लेकर के आ गए हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाइए बच्चों। चलिए, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ, सागर, मिस्टर बोम्बास्टिक, रितेश, अर्चना, वाहिद, खुशबू, गौरी, अतुल, ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। टारगेट बीएसयू 500 प्लस, ओके, गुड आफ्टरनून। तो आज की सेशन है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, थोड़ी सी बोरिंग, क्योंकि चैप्टर वैसा है इवोल्यूशन, कैसे विकास हुआ भाई, कैसे इंसान बन गया बंदर, नहीं, बंदर कैसे इंसान बन गया, या फिर बंदर से कैसे इंसान में परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे इवोल्यूशन बढ़ता गया, जो आपके क्या कहते हैं विकास दर है, वो विकास होती रही धीरे धीरे, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे में बनता गया, एक नई से नई स्पीसीज आती गई, ठीक है। अब इसके लिए रॉ मटेरियल के लिए वेरिएशन काम करता गया, और इसी हिसाब से हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो लीजिए, आपके सामने 10,000 रुपये का एक क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, एक भी रुपये का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है, द फोर्स दैट इनिशिएट्स द इवोल्यूशन इज, कौन सा वो बल है जो विकास को बढ़ावा देता है, विकास की शुरुआत करता है बच्चों। विकास बहुत बोरिंग टॉपिक है सर, क्योंकि इसमें कुछ नया सीखने वाली कंसेप्ट नहीं, ये हिस्ट्री है, ऑर्गेनिज्म कैसे बने, कैसे इवोल्यूशन चला, ये हिस्ट्री है, एक तरह का बायोलॉजी में हिस्ट्री है। ओके, तो बच्चों को ऐसा आ रहा है, डी आ रहा है, बी आ रहा है, कि क्या है जो इवोल्यूशन को शुरुआत करता है, बढ़ावा देता है, वेरिएशन, म्यूटेशन, एक्सटिंक्शन, एडेप्टेशन। गुड मॉर्निंग सविता, गुड मॉर्निंग हीरो मौर्या, गुड आफ्टरनून। तो आंसर जैसा कि आ रहा है मेरे पास, बी बी आंसर होगा, बी बी म्यूटेशन। सोच के बताइए बच्चों, सोच के बताइए। आपने पढ़ा होगा कि मदर वाइट स्किन कलर की है, कैसी है, वाइट है, ठीक है। फादर ब्लैक स्किन कलर का है, सरकारी नौकरी हो सकती है, ब्लैक स्किन कलर का है, तो इनके बच्चे में जो रंग आएगा वो ब्लैक और वाइट के बीच का, या ब्लैक हो या वाइट हो या इसी के बीच का आएगा। यानी मान लो क्या आया, मुलेटो कलर आ गया, क्या आया, मुलेटो, जो चाइल्ड हुआ मेल, मान लो एक लड़का हुआ, एक बच्चा हुआ, वो मुलेटो कलर का है। अब ना तो ये पिता जैसा 100%, ना ही माँ जैसा, लेकिन दोनों के थोड़े थोड़े करेक्टर्स हैं इनमें, ये थोड़ा सा नयापन कुछ दिख रहा है। अरे यही तो इवोल्यूशन है, विकास हुआ, थोड़ा सा अंतर आया, ये वेरिएशन ही है जो इवोल्यूशन को बढ़ावा देता है। यदि हम एक अमीबा को ले ले बच्चों, अमीबा, और इस अमीबा से हम आगे दो नए अमीबा को प्रोड्यूस करें, इससे दो नए अमीबा आएंगे, तो ये दोनों अमीबा एक जैसे होंगे, ये दोनों कैसे होंगे, आपस में क्लोन होंगे एक दूसरे के, यानी ये दोनों में कोई चेंज नहीं है, कोई इसमें विकास नहीं हुआ, नया कुछ नहीं आया, जो पहले था वही है, यानी यहाँ इवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इवोल्यूशन होता है। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगी, विविधता देखने को मिलती है, और विविधता एक्ट एज रॉ मटेरियल किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए, फॉर इवोल्यूशन, एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करती है बच्चों, समझ गए बात को।
सर अब ये सवाल हो सकता है सर म्यूटेशन क्यों नहीं होगा, एक्सटिंक्शन एडेप्टेशन क्यों नहीं होगा? देखो बच्चों, डार्विन जो चाचा थे ना वो कह के गए थे कि भैया जिसको भी जीना है ना वो जो इस इन्वायरमेंट है जिस इन्वायरमेंट में उसमें अपने आप को एडेप्ट करेगा, अपने आप को बना के रखेगा, अपने आप को फिट करके रखेगा तभी वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट उन्होंने बोला था। तो आप अपने आप को एडेप्ट करेंगे तो आप जिएंगे, इससे इवोल्यूशन का कोई लेना देना नहीं है, दूर में है कि भाई जीवित रहेगा तभी तो आगे उत्पत्ति कर पाएगा, नए संतति का निर्माण कर पाएगा, प्रजनन कर पाएगा, लेकिन इसकी भी क्या गारंटी कि जिंदा रहेगा और प्रजनन कर ही ले। जैसे म्यूल खच्चर जो होता है हॉर्स और डंकी से आता है वो क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का रिजल्ट है। अब आप ही बताओ क्या वो जीवित है? जी हाँ जीवित है, लेकिन आगे प्रजनन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसकी कोई गारंटी नहीं, यानी एडेप्टेशन इससे इवोल्यूशन को बढ़ावा नहीं देता है जनरली। एक्सटिंक्शन जब आप खुद ही जीवित नहीं हो, खुद स्पीसीज विलुप्त हो गई तो आप इवोल्यूशन क्या करोगे? अरे स्पीसीज रहेगी, उसके मेंबर्स रहेंगे, मेल फीमेल रहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो वेरिएशन आएगा, तो इवोल्यूशन होगा। जब स्पीसीज ही नहीं है तो इसकी हम बात ही नहीं कर सकते। अब आता है म्यूटेशन। जी हाँ, म्यूटेशन इवोल्यूशन को बढ़ावा तो देती है, लेकिन म्यूटेशन सडन है, एबनॉर्मल है, अनसर्टेन है, पता नहीं चलता कब आएगा कब नहीं आएगा, कैसा चेंज लाएगा नहीं लाएगा। लेकिन वेरिएशन एक ऐसा ना जो कहता है कि हम हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो हम रहेंगे, और हल्का हल्का चेंज लाते रहेंगे लाते रहेंगे। और यही 300 400 साल बाद देखोगे, 500 हजार साल 2000 साल बाद देखोगे तो शुरुआत का एक ऑर्गेनिज्म और 5000 साल बाद देखो दूसरा ऑर्गेनिज्म, उनमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा। आप कहोगे ये दूसरी स्पीसीज थी, ये दूसरी स्पीसीज है, दोनों स्पीसीज ही आप बदल दोगे। तो कहने का मतलब कि वेरिएशन ज़्यादा सटीक आंसर है म्यूटेशन के मुकाबले। यदि वेरिएशन ऑप्शन में नहीं रहता और कोई और ऑप्शन रहता तो म्यूटेशन जा सकता था, लेकिन यहां पे उससे बेहतर आंसर हमारे पास वेरिएशन मौजूद है। सर जी यो बच्चा पूर्ण रूप से वाइट क्यों नहीं हो छाओ? देखो बालक पूर्ण रूप से वाइट नहीं हो सकता, क्यों? अब मैं बताता हूं। स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए बी जीन होती है। क्या होती है? बी जीन। और बी जीन का कैपिटल बी ब्लैक के लिए जाना जाता है, स्मॉल बी वाइट के लिए जाना जाता है, ठीक है? और यहाँ पे स्मॉल बी है। हाँ, ब्लैक के लिए कैपिटल बी और स्मॉल बी ये भी चलेगा, तो कैपिटल बी स्मॉल बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वाइट हो पाए? कैपिटल बी आएगा किसी के साथ भी तो कैपिटल बी, ये स्मॉल बी आया तो यानी 50% चांस है कि ये ब्लैक हो जाए। लेकिन यहाँ ब्लैक है तो कैपिटल बी लेके चलेंगे बच्चों, तो ये हमेशा ब्लैक ही होगा। तो हम एक कलर ले लिए इन दोनों के बीच की, मुलेटो कलर, गेहूं रंग टाइप का जो इस बच्चे का है, तो नया रंग हमें देखने को मिल रहा है, तो ये वेरिएशन के कारण ही संभव है बच्चों। वाइट कह दो या निग्रो कह दो, निग्रो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, निम्नलिखित में से कौन है जो अवशोषी अंग, अवशेषी अंग है, मतलब अवशेष है, बचा रह गया, काम अभी नहीं है इसका कुछ भी, मतलब एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में है बट ये कोई मेन कुछ पर्टिकुलर कोई काम नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं है। सी बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, पेपिले है, इंटेस्टाइनल विलाई है, और एक और ऑप्शन है बच्चों, जब ऐसा ऑप्शन हो नन ऑफ द एवब तो सोच समझ के आंसर देना है, नन ऑफ द एवब में, ठीक है? मीटअप में मस्ती किए ना सर? अच्छा रिया गुप्ता, हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मस्ती हुई है बच्चों। सर उसे चूना लगा दे तो
वो उजला हो सकता है, जरूर हो सकता है। अरे उसे तुम एशियन पेंट से पेंट कर डालो बच्चों, वेयर लवली लगा दो। वाइट, जिसकी स्किन कलर वाइट होती है मतलब उसका जो जीन है वो रिसेसिव है, अप्रभावी है, पिगमेंट नहीं बना पा रहा है, तब जाके हम कहेंगे कि वाइट कलर है। नहीं तो यदि डोमिनेंट है तो ब्लैक होगा, मुलेटो होगा, निग्रो होगा, इस टाइप का होगा, डार्क ब्राउन होगा, ब्राउन होगा। तो बच्चों का जो आंसर आया सी आया है, बी आया है, डी आया है, बी और डी, बी नहीं तो डी। देखो बच्चों डी नहीं होगा, पहले मैं बता दूं क्यों नहीं होगा, अभी मैं बताता हूं। इंटेस्टाइनल विलाई कहाँ पाया जाता है, ये विलाई, ये जो विलाई हैं ये हमारे इंटेस्टाइन में, आंत में पाए जाते हैं। इस प्रकार के कुछ इंटेस्टाइनल विलाई होते हैं और इसके ऊपर छोटे 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 बहुत छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोविलाई। सर ये क्या था? ये था विलाई और इसके ऊपर छोटे छोटे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है? ये माइक्रोविलाई हैं। सर इसका काम क्या है? इंक्रीज, मैं कलर चेंज कर दूं बच्चों, दिख रहा है ना? दिख तो रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। हाँ, इस पे बहुत सारे सीलिया जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, ठीक है, और इसमें एक और चीज दिखाई देगा, इसमें ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? ब्लड वेसल्स दिखाई देंगे। साथ ही साथ एक वाइट कलर की एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगी, वाइट कलर की एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी एकदम बीच में। वैसे आपका क्लास 11th का टॉपिक तो नहीं है, नहीं तो मैं ये चीज अच्छे से आपको पढ़ा देता बच्चों। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, और ये जो स्ट्रक्चर है बड़ी वाली, इसको कहते हैं विलाई। विलाई एब्जॉर्प्शन के लिए जाना जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में जो भी पच के पहुंचा है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जाना जाता है, पहली बात। दूसरी बात सर, माइक्रोविलाई का क्या काम है? माइक्रोविलाई का काम है जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया चाहिए उसको बढ़ा देना। तो इंक्रीज, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया चाहिए उस सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है, पहली बात। सर ये ब्लड वेसल क्या है? अरे एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड में ही ना जाएगा, तो ये है ब्लड वेसल्स। क्या है? पिंक कलर से जो दिख रहा है बच्चों वो है ब्लड वेसल। सर वो तो हम समझ गए, व्हाइट वाला क्या है? व्हाइट वाला एक लिम्फ वेसल है, नाम है लैक्टियल। क्योंकि होता क्या है बच्चों कि सभी चीजें ब्लड वेसल से नहीं जा सकती, कैपिलरी से सभी कुछ इंटर नहीं करती, क्योंकि कैपिलरी का साइज छोटा होता है और जो फैट होते हैं हमारे फैट ग्लोब्यूल्स वो थोड़े ज्यादा साइज के होते हैं, और जब तक ये यहां पहुंचते हैं ये काइलोमाइक्रॉन्स का एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं प्रोटीन के साथ मिल करके। अब ये काइलोमाइक्रोन्स इन जो कैपिलरीज उनमें इंटर नहीं कर पाते, तो इनको एब्जॉर्ब करने के लिए एक अलग स्ट्रक्चर है, नाम है लैक्टियल लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल में जाएगा, आगे जाके ब्लड में जाना ही है, लेकिन एब्जॉर्ब किससे होता है? लैक्टियल से होता है। तो इनका काम है, ये वेस्टिजियल नहीं है। अरे पैपिले, पैपिले हैं एक तरह से आपका टेस्ट बर्ड कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? टेस्ट बर्ड्स कहेंगे बच्चों, यानी आपके जो टंग पे जो जीभ पे जो टेस्ट बर्ड्स हैं ना उनका नाम पैपिले है, ठीक है। बहुत सारे पैपिले होते हैं, जैसे फ्यूजी फॉर्म, फंगी फॉर्म, सर्कमविलेट, तो ये सब क्या है? पैपिले हैं। ये भी काम के हैं, टेस्ट बर्ड ना हो तो आपको टेस्ट ही नहीं पता चलेगा कि सरा हुआ है या पका हुआ है, मतलब मीठे हैं, खट्टे हैं, तीखे हैं, वो टेस्ट नहीं पता चलेगा बच्चों। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ज्वाइन करती है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करती है ना, तो वहीं पे एक स्ट्रक्चर छोटा सा होता है, ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर है इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स।
अब होता क्या है ना कि जो गाय भैंस होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, कैटल होते हैं, वो सेलुलोज घास फूस को खाते हैं, उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है। तो उनका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में सेलुलेज एंजाइम को बनाया जाता है, कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो सेलुलेज एंजाइम बनाते हैं, और वो सेलुलेज एंजाइम उनके जो गाय भैंस हैं उनके वहाँ इंटेस्टाइन में मदद करता है पचाने में खाने को, ठीक है। हमारा जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है यहाँ माइक्रोब्स नहीं होते हैं तो वो सेलुलेज एंजाइम नहीं बनेगी, तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो हम घास पत्ता ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाते बच्चों, ये एक्सक्रीट होना है तो होना है, यानी इनका काम कैटल्स में है, हमारे अंदर इसका कोई काम नहीं है। बहुत बार होता है कि अपेंडिसाइटिस हो जाती है, कहते हैं अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स बढ़ गया है किसी कारण से, वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, वो बढ़ने लग गया, उसमें प्रेशर बढ़ने लग गया, दर्द करने लग गया, उस केस में उसे कटा देना चाहिए। क्यों, सर्जरी से आप कटवा देंगे उससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसका कोई अभी हमारे बॉडी में रोल नहीं है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको एक ब्लाइंड सैक भी कहेंगे, ब्लाइंड सैक या ब्लाइंड ऑर्गन। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को हम क्या कहेंगे, ब्लाइंड ऑर्गन भी कहते हैं बच्चों। ब्लाइंड ऑर्गन क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जिसमें कोई भी चीज जाए और निकले दोनों एक ही ओपनिंग से हो, जैसे ब्लड आपके शरीर में या हल्ट में ब्लड कहां से जाता है, राइट एट्रियम से जाता है, ठीक है। बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में गई और निकल के बॉडी में कहाँ से जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी आने का रास्ता अलग जाने का रास्ता अलग, ये ब्लाइंड ऑर्गन नहीं है। स्टमक को देखोगे तो ईसोफेगस से होते हुए कार्डियक पास जो आपका ओरिफिस है वहाँ से इंटर करेगा, ठीक है, कार्डियक फंडस बॉडी पाइलोरस, और पाइलोरिक वाल्व से वो इंटेस्टाइन में जाएगा, यानी एंट्री और एग्जिट का जगह अलग अलग है, लेकिन इसका जो एंट्री है वही एग्जिट है, यानी एक ब्लाइंड ऑर्गन है बच्चों, ठीक है। ये हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, वेस्टिजियल हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी चला जाएगा, यानी डी भी नहीं होगा। क्लियर है बच्चों, बताइए सी ही होगा। हाँ एकदम सही है, करेक्ट है बच्चों, सी सही है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अर्लीएस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड अमंग द फॉलोइंग एज, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रारंभिक भूवैज्ञानिक समय अवधि कौन सा है, समय अवधि, कैम्ब्रियन, परमियन, जुरासिक, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी तो बाद का है, टर्शियरी क्वार्टरनरी, ठीक है, बताइए आंसर दीजिए बच्चों। अतुल कुमार, खुशबूपाल सी, यानी जुरासिक, ओके। जुरासिक में डायनासोर, जुरासिक कोई पीरियड नहीं है, जुरासिक पीरियड नहीं है, जुरासिक अलग चीज है वो, ठीक है, बताइए बच्चों। पीरियड पूछा है तो जुरासिक पीरियड नहीं, जुरासिक पीरियड में ही आ जाएगा। रिया ने बोला बी, अजय का है सी, पिंकी भी बोली बी, परमियन, ओके। देखो जुरासिक पीरियड होगा, पीरियड है, लेकिन हमसे क्या पूछा, अर्लीएस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, अर्लीएस्ट सबसे पुराना कौन सा है, देखिए जितना भी हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, मैं आपको बताऊं, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना बच्चों, ग्रेट रिवॉल्यूशन वगैरह हुए, उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्री काम्ब्रियन, प्री काम्ब्रियन, ठीक है, दूसरा काम्ब्रियन, और तीसरा इसके बाद का पोस्ट काम्ब्रियन। ठीक है, तो आपके जो आपने आंसर दिया ना जुरासिक, ये जुरासिक पीरियड वो इसी में आ जाएगा, ये सभी पीरियड ही हैं, ये इसी में आ जाएगा, किसमें, पोस्ट में आ जाएगा। अब रहा आंसर क्या जाएगा, तो आंसर प्री काम्ब्रियन जाएगा, है क्या, नहीं है। काम्ब्रियन
हाँ है, यानी इनमें से सबसे पुराना कौन है? तो कैम्ब्रियन है बच्चों, कैम्ब्रियन है। समझ गए? सी होगा, नहीं होगा सी, ए होगा। हाँ हीरो मौर्या, एकदम सही। वंदना टारगेट एम्स जोधपुर। चलिए एक करेक्ट है, मुस्कान करेक्ट है, एक करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुरासिक को कहा जाता, जुरासिक पीरियड है वो, गोल्डन पीरियड ऑफ उनका क्या कहते हैं, डायनासोर, डायनासोर के लिए वो गोल्डन पीरियड था। इसके बाद स्टार्ट होता जुरासिक के बाद ट्रायसिक, उसमें उनका खात्मा तय था, खात्मा हो गया बच्चों। गॉट इट? बताइए। चलिए ओके ओके, ट्रायजिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस में खात्मा हुआ। चलिए, द एक्सपेरिमेंट दैट सिमुलेटेड कंडीशन थ्रू द थाउट टू बी प्रेजेंट ऑन द अर्ली अर्थ, द एक्सपेरिमेंट दैट सिमुलेटेड कंडीशन थाउट टू बी प्रेजेंट ऑन द अर्ली अर्थ। अच्छा, पृथ्वी के शुरुआती समय में कैसा इन्वायरमेंट था, ये किसके एक्सपेरिमेंट हमें प्रूव हो गया बच्चों, बताइए हमें। आपको पढ़ाया गया है इवोल्यूशन, कौन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। स्टैनले मेरे, स्टैनले, स्टैनले तो नहीं है इसमें। हाँ, वंदना टारगेट एम जोधपुर, मिलर, एस एल मिलर, एस एल मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था उसे प्रूव हो गया था बच्चों, ठीक है। ये तो एक्सपेरिमेंट हमने आपको पढ़ाया नहीं, ये भी नहीं पढ़ाया, और हर्षे एंड चेज पढ़ाया है, चैप्टर अलग है, तो पहले बात इस चैप्टर से तो रिलेटेड है ही नहीं, और है क्या, डीएनए से रिलेटेड है, तो यहां तो ये आएगा नहीं, क्या आएगा ये, यानी आप नॉर्मली एलिमिनेशन मेथड भी लगाओगे ना बच्चों तो भी आ जाएगा, या फिर ये भी समझो कि ये इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, और इसमें कौन साइंटिस्ट है जो इवोल्यूशन चैप्टर में आप पढ़े हो, मिलर को पढ़े हो, तो वही ना जाएगा आंसर, ऐसे भी आप निकाल सकते हो यदि नहीं आता है तो। हाँ, हर्सेंसेस डीएनए, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, बहुत बढ़िया तरीके से मैं बताया था, होमोलोगस, एनालोगस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो इसको कीजिए, कीजिए बच्चों। अच्छा, फोर का सी बालक ने बोला है, फोर का सी, हाँ सही था। फाइव का दीजिए, फाइव का आंसर दीजिए। ए, द आर्म ऑफ ह्यूमन एंड विंग ऑफ अ बर्ड, बहुत गजब का सोच है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वो तो कुछ और बच्चे जब आंसर देंगे फिर हम देखेंगे। पिंकी ने भी ए लगाया है, अर्चना ने भी ए, सुजीत बी, ओके बी, विंग ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड, होमोलोगस बोला है बालक, होमोलोगस। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन सेम हो, ओरिजिन सेम हो लेकिन फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है बच्चों, फंक्शन डिफरेंट होता है। अब ध्यान देना है कि ओरिजिन सेम है, हाँ फंक्शन डिफरेंट है, ऐसे ऑर्गन को हम होमोलोगस कहेंगे। आप सिंपल देखो ना कि कौन कौन ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, आर्म ऑफ ह्यूमन उड़ने का काम करता है, नहीं, विंग ऑफ बर्ड उड़ने का काम, हाँ, यानी ये हो सकता है, ओरिजिन हमें नहीं मालूम फिर भी आंसर ले आएंगे, देखते हैं। विंग ऑफ इंसेक्ट उड़ने का काम, जी हाँ, विंग ऑफ बर्ड उड़ने का काम, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन सेम है, फंक्शन डिफरेंट चाहिए। लेग ऑफ डॉग, लेग ऑफ स्पाइडर, लेग ऑफ डॉग, डॉग का लेग भी चलने का काम, स्पाइडर का लेग भी चलने का काम, ये भी नहीं होगा।
none of the above, ये भी हटा दीजिए, यानी अब इनमें से बचा तीन में से, तो देखा जाए तो arm of human and wing of bird, four arm का केस है बच्चों, यानी यहाँ पे ये फंक्शन अलग है लेकिन देखा जाए तो दोनों का ऑरिजिन सेम है, तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस कहेंगे, समजात अंग कहेंगे बच्चों। ये क्या हो गया हा? इनको हम क्या कहेंगे, समजात अंग कहेंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, तो कैसे ये हो गया। चलिए ठीक है, ठीक है, इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, क्या बताना चाहेंगे कि होमोलोगस हेट्रोलोगस सॉरी होमोलोगस और एनालोगस का, जैसे मान लीजिए एक बिहार एक स्टेट है, क्या है, एक बिहार एक स्टेट है। अब बिहार से कुछ बच्चे कहाँ गए, कोटा गए, कुछ लोग दिल्ली गए अर्निंग के लिए, कुछ लोग गुजरात गए मजदूरी यानी कमाने के लिए, यहाँ गए पढ़ने, यहाँ गए बिजनेस के लिए, यहाँ गए मजदूरी करके कमाने के लिए, ठीक है, और कुछ लोग मुंबई गए फिल्म सिटी है। अब गौर कीजिए, सभी कहाँ से हैं, बिहार से ही हैं, लेकिन सभी अलग अलग जा करके अलग अलग काम कर रहे हैं ना, बताइए, यानी सबका ओरिजिन क्या है, बिहार है, तो हम कहेंगे ओरिजिन सेम है, और फंक्शन क्या, सभी एक काम कर रहे हैं, नहीं, सबका काम अलग अलग है, गुजरात वाले मजदूरी कर रहे हैं, दिल्ली वाले वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कोटा वाले पढ़ाई कर रहे हैं, मुंबई वाले फिल्म बना रहे हैं, यानी कहने का मतलब फंक्शन डिफरेंट है, फंक्शन डिफरेंट है। ऐसे ऐसे में क्या, कोटा में यदि कोई बिहार से, क्या कहेगा, ये बिहारी है, मुंबई में बिहार से है तो उसको बिहारी, यानी सब में कॉमन क्या है कि वो होमोलोगस है, आपस में देखा जाए तो ये होमोलोगस है, तो हम क्या कह देंगे, होमोलोगस। वही हम दूसरा देखें कि भाई गुजरात को देखें, गुजरात नहीं कोटा को ही देख ले, सबसे बढ़िया एग्जांपल कोटा, कोटा में कुछ बच्चे कहां से आए, बिहार से आए, कुछ बच्चे यूपी से आए, कुछ बच्चे झारखंड से आए, कुछ बच्चे मध्य प्रदेश से आए हैं, यानी अलग अलग स्टेट से बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कोटा, क्या काम करने, पढ़ाई करने, यानी सबका फंक्शन, सबका काम क्या है, पढ़ाई करना है, यानी फंक्शन सेम है, ठीक, लेकिन सबकी ओरिजिन देख लो बच्चों, सबकी ओरिजिन देख लो, क्या सबकी ओरिजिन सेम है, नहीं, अलग अलग स्टेट से ओरिजिन अलग है, तो ओरिजिन अलग है। अब वहाँ जो बच्चे मिलेंगे, मान लो कोई एक कोचिंग में है, जैसे मालवीय एकेडमी एक कोचिंग है, तो यहाँ मालवीय एकेडमी में कुछ बच्चे बनारस के ही हैं, कुछ बच्चे छपरा, कुछ बच्चे आरा, कुछ बच्चे पटना, कुछ बच्चे बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मिर्ज़ापुर है, तो अलग अलग जगह से हैं, कहाँ आए, मालवीय एकेडमी में आए, तो सभी बच्चे पढ़ने आए ना, तो अलग अलग जगह से आए पढ़ने, काम सेम है, तो ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन काम जो फंक्शन है सेम है, ऐसे को हम कहेंगे एनालॉगस, क्या कहेंगे, एनालॉगस। क्या ये क्लियर है बच्चों, बताइए, इज इट क्लियर। हाँ, कुछ बच्चे घर से भी तो आए होंगे ना, ये वही बालक है जो सर चूना लगा देंगे तो लड़का वाइट हो जाएगा। हाँ, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, एनालॉगस, होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट पे। अब गौर कीजिए बच्चों, क्या गौर करने वाली बात है कि यहां पे देखिए ओरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट है, यानी एक ही जगह से निकल के जा रहे अलग काम अलग काम, यानी एक ही जगह से अलग अलग जगह जा रहे अलग अलग काम करने अलग अलग, ये डाइवर्ज हो रहे हैं, रास्ता बदल रहा है, इस टाइप के इवोल्यूशन को कहेंगे डाइवर्जेंट,
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, वही हम आगे देखें। तो सभी जगह से, अलग अलग जगह से कहाँ आ रहे हैं, अलग अलग जगह से कोटा आ रहे हैं, अलग अलग जगह से बनारस में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो गौर करो तो सभी एक जगह डाइवर्ज हो रहे हैं, नहीं कन्वर्ज हो रहे हैं। डाइवर्ज मतलब अलगाव होना, कन्वर्ज हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम कहेंगे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि एनालॉगस ऑर्गन्स क्या शो करते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, और होमोलोगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इतना आसान तरीके से हम बताए हैं, इसे याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कभी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमोर्डियल सूप इज अ सेट ऑफ हाइपोथेटिकल कंडीशन ऑन एंशियंट अर्थ फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, यानी प्राइमोर्डियल सूप के बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था बच्चों, बताइए। ओके ओके, चलिए बताइए इसको। सिक्स नंबर, दिमित्री इमारोवास्की, ओपरिन, ओपरिन हाल्डेन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था, अनुचिन, दिमित्री अनुचिन आपको पढ़ाया ही नहीं है बच्चों, तो ये तो होगा ही नहीं। और निकोले सैत्स्की, इन्हीं दो में से चुनिए, बी ओपरिन सही आंसर है, ओपरिन जाएगा। प्राइमोर्डियल सूप किनके द्वारा बताया गया था, ओपरिन के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लेमार्किज्म, अब लेमार्किज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो लेमार्क थे ना, उनका कंसेप्ट क्या था, उनके कंसेप्ट को ही क्या कहते हैं, लेमार्किज्म। वो बोलते हैं कि हम जो कुछ भी वर्क करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, और उस कारण जो भी ऑर्गन उसमें सम्मिलित होता है, ऑर्गन्स डेवलप कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, और ये चीज हमारे नेक्स्ट जेन में भी, यानी नए जनरेशन में भी, अगले पीढ़ी में भी देखने को मिलता है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। इसी कारण लेमार्किज्म को रिजेक्ट कर दिया गया था, इस थ्योरी को। लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा कुछ हद तक होता है, लेकिन अच्छे से इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो ये रिजेक्ट ही रहा। चलिए बताइए, विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लेमार्किज्म, नीचे जितना एग्जाम्पल दिया गया, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो लेमार्किज्म के द्वारा प्रूव किया गया था और आप प्रूव कर सकते हो, बताइए बच्चों। आंसर आ रहा है डी 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 बी बी भी आया अतुल का, ओके, नहीं वो पिछला वाला रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ लिखा कीजिए, उससे हमें आसानी होती है बच्चों। ऑप्शन डी ए, क्वेश्चन सेवन डी, चलिए ठीक है। यहां क्या कह रहा है कि हाउ जिराफ गॉट देयर नेक लॉन्ग, यानी जिराफ का, जिराफ क्या थी पहले, बकरी थी, क्या थी, जिराफ बकरी थी, यानी गोट से जिराफ का बनना, असल में कहा गया लेमार्किज्म के अनुसार कि पहले बकरी थी, नीचे की घास खाते खाते खत्म होने लग गया, तो पौधों के पत्तियों खाने लग गई, उसके खत्म हो गए तो पौधों के ऊपर की पत्तियों को खाने के चक्कर में अपना गर्दन लंबा करने लगे, ऐसे उठा के, धीरे धीरे क्या हुआ, एडेप्टेशन आ गया, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चीज बढ़ती चली गई और उनका गर्दन लंबा होता गया। क्या गर्दन में हड्डियों की संख्या बढ़ी, नहीं बच्चों, हमारे वर्टिब्रल कॉलम में, सर्वाइकल यानी गर्दन में, जो गर्दन वाले रीजन में, नेक रीजन में जो वर्टिब्रा है बच्चों, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। यदि हमारे गर्दन में सात हैं, कितने, सात, C7 TS12 L5 S5 CO4, तो C7 है, सात सर्वाइकल वर्टिब्रा है, तो जिराफ में भी सात ही हैं, ऐसा नहीं कि 70 हो गए, वहां भी सात है। अंतर क्या है, हमारी वर्टिब्रा छोटी छोटी वर्टिब्रा है, तो उनकी बड़ी बड़ी वर्टिब्रा है, समय उनकी हड्डियों की लंबाई ज्यादा है लेकिन हड्डियों की संख्या उतनी ही है, यानी ये आंसर चला जाएगा।
ह्यूमंस लॉस्ट देयर टेल, हमने टेल का उपयोग करना बंद कर दिया, हमारे टेल खत्म हो गए। लेकिन आज के समय भी कहीं कहीं कुछ बच्चों में छोटी सी पूंछ देखने को मिलती है। अब बताओ, यदि कोई हमारा एंसेस्टर कैरेक्टर है, हमारे पूर्वजों का लक्षण है बच्चों, वो नए जनरेशन में कभी कभार देखने को मिल जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो ये भी सही है। तो यदि दो सही तब तो ऑल ऑफ द अबव भी जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, हाउ ह्यूमंस बिकम बाइपेडल, इंसान बाइपेडल कैसे बने बताइए। चार से गोरिल्ला की तरह भी चल सकते हैं, लेकिन दो पैर पे कैसे आए? इसका यूज चलने में कम करने लग गए, इरेक्ट होने लग गए, तो बस यूज एंड डिसयूज पे है ऑर्गन्स के। तो बताइए बच्चों, ये तो जाएगा डी, सही आंसर है जिन बच्चों ने बोला। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि एंसेस्टर का कैरेक्टर कभी वापस से नए जनरेशन में, करंट जनरेशन में दिख जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? अपीयरेंस ऑफ एंसेस्टर कैरेक्टर, बताइए। नो आइडिया। अरे एटाविज्म बच्चों, एटाविज्म नोट करके लिख लीजिए कि देखो जनरली ऐसा नहीं होता कि एंसेस्टर का कैरेक्टर दिख जाए। एंसेस्टर कैरेक्टर धीरे धीरे जा रहे हैं, नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं, यही तो इवोल्यूशन है। लेकिन इवोल्यूशन विपरीत दिशा में चल जाए, बैकवर्ड चला जाए, रिट्रोग्रेसिव हो जाए, तो उसको एटाविज्म कहेंगे। तो हम कहेंगे अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, इसे हम कहेंगे एटाविज्म, इसे हम एटाविज्म कहते हैं। ठीक है, ये एक इट इज ए टाइप ऑफ ये किस प्रकार का इवोल्यूशन है? इट इज ए टाइप ऑफ रिट्रोग्रेसिव यानी बैकवर्ड इवोल्यूशन, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। समझ गए बच्चों? किसी की उंगली की संख्या 6 होती है तो इसे क्या कहेंगे? इसे पॉलीडेक्टाइली कहेंगे सुजीत कुमार। पॉलीडेक्टाइली, 6 फिंगर, 7 फिंगर हो जाना पॉलीडेक्टाइली में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर डी जाएगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पीसीज ऑन डैश हेवली इंस्पायर्ड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी भाई जो स्पीसीज थी उनको कहां पे देखे डार्विन, जिससे इंस्पायर होकर के उन्होंने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया, जिसकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक किताब भी लिखा। तो वो कहां गए थे बच्चों? जगह का नाम बता दो। एलहाडे, क्विडेमाडा ग्रैंडे, ग्वाटेमाला, फ्रो आइलैंड, गैलपागोस आइलैंड, बताइए बच्चों। हमने बोला था कि डार्विन से जुड़ा हुआ है, डार्विन में दम नहीं था बट फिर भी ये बम था। ठीक है, कुछ लिख देता था तो उसपे हो हल्ला मच जाता था, अरे डार्विन लिखे हैं, ढंढोरा पिटता था। बाद में पता चला खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लेकिन इसका महत्व था इसके बातों का। तो ये गए थे गैलपागोस आइलैंड पे, यहाँ पे इन्होंने जो देखा उस हिसाब से बर्ड्स के बारे में इन्होंने लिखा, क्या उन बर्ड्स के चिड़ियों के चोंच के बारे में इन्होंने लिख दिया कि इन्हें हम कह देंगे डार्विन फिंचेज। असल में देखा उन्होंने बहुत कुछ कि कोई बर्ड है, सी ईटर है, कुछ फिश ईटर है, अलग अलग टाइप से, तो उस हिसाब से सबके चोंच में, उनके काम के हिसाब से चोंच में बदलाव देखने को मिला। धीरे धीरे ये स्पीसीज नई स्पीसीज बन गई, तो इन सभी स्पीसीज को नाम दे दिया गया डार्विन फिंचेज, उनके चोंच के हिसाब से। फिंच मतलब चोंच होता है बच्चों। हाँ, क्वेश्चन 8 नंबर का डी सही आंसर। डैश वॉज कंसिडर्ड एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड, निम्नलिखित में से कौन है जिसको मिसिंग लिंक के तौर पे
माना जाता है, मतलब कनेक्टिंग लिंक है या फिर मिसिंग है, मतलब इवोल्यूशन के दौरान वो गायब हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। बताइए बच्चों, आर्कियोप्टेरिक्स, टेरानोडॉन, एविमिमस और कॉडिप्टेरिक्स, बताइए। सबने एनसीईआरटी पढ़ रखा है लगता है, क्योंकि इसका जिक्र एनसीईआरटी में है। चलिए करेक्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स। अरे बर्ड लाइक क्या था ये, देखिए ये ऐसा रेप्टाइल था जो बर्ड लाइक था। ये कनेक्टिंग लिंक है रेप्टिलिया और एब्स में, किसमें, इसको हम कह देंगे कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग सर, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, अरे दो के बीच का एक ऐसा जिनमें दोनों का फीचर हो, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एब्स रेप्टिलिया, रेप्टिलिया एंड एब्स, ठीक है। द ओल्डेस्ट मिनरल डिस्कवर्ड सो फार was dash which dates back to 4.4 billion year ago BYA। oldest mineral, सबसे पुराना मिनरल कौन खोजा गया बच्चों, बताइए। The oldest mineral discovered so far was, सबसे पुराना, अरे धरती की उत्पत्ति कब हुई उस हिसाब से सोचो ये कितना पुराना है। आयरन, जिरकन, कैडमियम, सिलिकन, लोहा डी सिलिकन, ओके ए आयरन, यानी आयरन आ रहा है और सिलिकन आ रहा है। बताइए बच्चों, नहीं नहीं नहीं, ये आयरन, आयरन तो होगा ही नहीं, पहले ही मैं बता दूं, सिलिकन तो मैं समझ सकता हूं, आयरन नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर जाएगा जिरकन, जिरकॉन, जिरकॉन सबसे पुराना मिनरल है बच्चों, सबसे पुराना मिनरल जिरकॉन, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इसको याद रखिएगा तभी ये समझ में रहेगा कि हाँ ये है तो है। पीजन, प्लेटिपस एंड पांडा आर, यानी जो पीजन है, प्लेटिपस है और पांडा मांस खा रहा है पांडा, ये तीनों कैसे जीव हैं बच्चों, बताइए। होमियोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक, हाइपरथर्मिक, नॉन ऑफ दीज, कोल्ड ब्लडेड है, हॉट ब्लडेड है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। इलेवन का सी हाइपरथर्मिक, देखो सबसे पहली बात तो हाइपरथर्मिक मैं पहली बार सुन रहा हूं कि बच्चे आंसर ये भी दे सकते हैं, हमने तो दो ही पढ़ाया है, होमियोथर्मिक और पोइकिलोथर्मिक। चल दिए देखते हैं, होमियोथर्मिक क्या होता है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। पोइकिलोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड, क्या है, कोल्ड ब्लडेड। अब आंसर दीजिए इस हिसाब से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए और बी में से ही कोई आंसर जाएगा बच्चों। ठंड काफी बढ़ गई है, अपना और अपनों का सेहत का ध्यान रखें बच्चों, और कोविड जैसी बीमारियों से बचे रहें। हाँ, अब जाके आंसर आने लग गया सुजीत कुमार का, ए होमियोथर्मिक। जी हाँ,
पिजन, प्लेटिपस, पांडा ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। होमियोथर्मिक ऑर्गेनिज्म है ये, पोइक्यूलो नहीं है, ठीक है। तो ये होमियोथर्मिक जाएगा आंसर। द लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन एज, यानी ह्यूमन के इवोल्यूशन के दौरान ह्यूमन से जस्ट पहले वाला एंसेस्टर कौन है बच्चों? पेंट्रोगोलाइडाइट्स, होमो नियंडरथेलेंसिस, लिमोडेडिया और ड्रोमेसियोसोरस, बताइए। ड्रोमेसियोसोरस पहला बार नाम सुन रहे हैं क्या आप लोग? होमो नियंडरथेलेंसिस तो आप नाम सुने होंगे, नियंडरथल, बताइए। सभी लोग एक साथ बी कह रहे हैं, होमो नियंडरथेलेंसिस। मैंने ये आपको नहीं पढ़ाया है, मैं मानता हूं कि मैंने इसका कॉमन एंसेस्टर लास्ट वाला नहीं पढ़ाया, दैट इज द पेंट्रोगोलाइडाइट्स। नियंडरथल बहुत पहले है, इतना भी पास नहीं है कि एकदम करंट ह्यूमन, ना ना। पेंट्रोगोलाइडाइट्स क्या है, ये हमारे सबसे पास वाले कौन है, ह्यूमन के एंसेस्टर है सबसे पास वाले। तो लास्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन इज दैट इज द पेंट्रोगोलाइडाइट्स। आपको सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा क्या क्या चीजें, नियंडरथल, रमापाइथिकस, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, होमो इरेक्टस, जावा मैन और क्रैनियल कैपेसिटी, इन सब के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन लेना होगा, क्योंकि यहां सवाल आएगा आप फंस सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, आपको याद है कन्वर्जेंट का भी हमने बात किया था, कन्वर्ज कर रहा है, ओरिजिन अलग, फंक्शन सेम, यानी एनालॉगस ऑर्गन से रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। तो एनालॉगस ऑर्गन खोज लीजिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पता चल जाएगा, कीजिए। हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन है, देखिए बाकी क्वेश्चन तो हुए ना, 10-15 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन थोड़ा हो जाता है बच्चों। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। रोशन गुप्ता, मेरा भी नाम रोशन ही है बच्चों, तो उन्होंने ए बोला है और मैं कभी गलत नहीं करता, तो ये बालक भी गलत नहीं कर रहा है। अच्छा साइड हो जाऊं, सही है। विंग ऑफ हॉक मॉथ्स एंड विंग ऑफ हॉक्स, इन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन सेम है उड़ने का। टीथ ऑफ डोमेस्टिक डॉग एंड टीथ ऑफ वुल्फ, डोमेस्टिक डॉग और वुल्फ का बात करें तो दोनों की ओरिजिन भी सेम है, ओरिजिन भी सेम है। विंग ऑफ जियोस्पिजा मैग्नीरोटिस और विंग ऑफ फॉर्टिस, ये कभी हमने आपको पढ़ाया ही नहीं और आपकी इवोल्यूशन के बाहर का है, तो पहले ही छांटिए, नॉन ऑफ द एवब। आपको इन दोनों में चुनना है, तो इन दोनों का दांत का ओरिजिन सेम है, तो वो तो एनालॉगस होने से रहे। क्या कहा है, कॉन्वर्जेंट, ओरिजिन अलग, फंक्शन सेम। हॉक मॉथ का विंग और हॉक यानी बाज उनके विंग, दोनों में अंतर है। ये हॉक मॉथ है यार, कीड़ा है, कीड़ा का पंख और पक्षी के पंख में अंतर है, उड़ने का काम दोनों करते हैं, ओरिजिन सेम नहीं है। तो क्या जाएगा एनालॉगस में, ये फर्स्ट वाला चल जाएगा, एनालॉगस जाएगा तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी चला जाएगा। ए ऑन द ओरिजिन ऑफ और स्पीसीज वॉज रिटन बाय, अच्छा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अभी हमने बात किया था कि कोई चाचा थे कहीं गए थे, कुछ देखा तो कुछ लिख डाला और उसी में झिंझोरा में रह गए, उसी झुंझुना को बजाते रह गए, और उसी झुंझुना को बजाने के चक्कर में जो मेंडल साहब थे ना, तो उनकी जो बुक आई थी, उन्होंने जो लिख करके लाया था सबके सामने कि देखिए हमने ये रिसर्च किया है,
उसको नज़रअंदाज किया गया बच्चों, उसको अंडर एस्टिमेट कर दिया गया, नहीं तो आज और भी हम आगे रहते। तो बताइए बच्चों, वो कौन है? ए चार्ल्स डार्विन, दूसरा लुडमिला कुप्रियानोवा, फिर मिखाइल ए फेडोंकिन। नाम से ही पता चल जा रहा सर, एक ही तो नाम है, लेकिन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक थी ना बच्चों, वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है? तो ये आंसर जाएगा ए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड डायनासोर डाई ऑफ, डायनासोर कब मरे? देखो डायनासोर के रिलेटेड कुछ बात बता दूं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा तो सबसे खूंखार आएगा डायनासोरस का, ट्राइसेनोसोरस, ट्राइसेनोसोरस रेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ट्राइएनो वाई हो सकता है, ट्राइसेनोसोरस रेक्स। डैगर लाइक टीथ थे बच्चे, इसको चाकूनुमा दांत था, डैगर लाइक टीथ, ये भी याद रखना है। अच्छा डायनासोर का गोल्डन पीरियड क्या था? गोल्डन पीरियड आप में से एक बच्ची ने जवाब भी दिया था, क्या था वो जिसमें मूवी भी आई है? अरे जुरासिक पीरियड, जुरासिक पीरियड। लेकिन खत्म कब हुए? खत्म हो गए ट्रायजिक जुरासिक क्रिटेशियस, क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। एक और खास बात जानते हो बच्चों, ये जो गोल्डन पीरियड था ना जुरासिक पीरियड, इसमें डायनासोर तो अच्छे खासे थे, अरे जिम्नोस्पर्म भी बहुत अच्छे खासे थे संख्या में, ठीक है? जिम्नोस्पर्म पूरे धरती पे फैले हुए थे, जिम्नोस्पर्म। चलिए बताइए आंसर दीजिए। ओके तो आंसर क्या जा रहा है बच्चों का? बी, टायरेनोसोरस रेक्स, ये सबसे खूंखार वो था, क्या नाम है, डायनासोर था। उसका जो उसका दांत था ना वो चाकू के जैसा तेज था, रगड़ देता था किसी का गर्दन तो खत्म, खलास, बाय बाय। गोल्डन पीरियड मतलब ऐसा समय जब उसका वर्चस्व सबसे ज्यादा था, सबसे टॉप लेवल पे था, खूब ग्रोथ हो रही थी। जुरासिक पीरियड में डायनासोर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ बच्चों, बहुत ज्यादा, और क्रिटेशियस पीरियड आते आते ये एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। यानी गोल्डन पीरियड में सबसे ज्यादा, और गोल्डन पीरियड जो गोल्डन पीरियड मतलब कहा जाता है जुरासिक पीरियड में डायनासोर बहुत ज्यादा थे, साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म भी थे, जिम्नोस्पर्म बहुत ज्यादा थे। सर एंजियोस्पर्म कब आए? अब सवाल आता है एंजियोस्पर्म, अरे क्रिटेशियस में फर्स्ट एंजियोस्पर्म प्लांट देखने को मिला, फर्स्ट एंजियोस्पर्म, प्लांट ओरिजिनेटेड, ओरिजिन हुआ, ठीक है बच्चों? तो इसका आंसर क्या जाएगा? लगभग 60 यानी 65 मिलियन ईयर्स अगो, 65 मिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए बच्चों। तो इसका आंसर बी जाएगा, बी जाएगा। अरे जिम्नोस्पर्म अलग है, एंजियोस्पर्म अलग है, एंजियोस्पर्म में पहले डाइकॉट आए तो ओरिजिनेटेड मतलब शुरुआत हुआ है तो डाइकॉट से शुरुआत हुआ है, मोनोकॉट तो और लेट आए, ठीक है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की सेशन और लेशन इसी क्वेश्चन के साथ इसको एंड करते हैं। अब इवोल्यूशन का पार्ट टू भी आएगा कल, जो होगा वो 10 क्वेश्चन और है हमारे पास इस चैप्टर के, तो उन 10 क्वेश्चन को हम कल कंसीडर करेंगे, और जो समय बचेगा ना वो उस समय में हम आपके जो आपका ह्यूमन इवोल्यूशन वाला टॉपिक है ना उसको हम रिवाइज करा देंगे बच्चों, ठीक है? तो आज की सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको जो भी बताया गया, प्रैक्टिस कराया क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हार्ड रहे होंगे, हो सकता है, चैप्टर हिस्ट्री टाइप का चैप्टर है, थोड़े बोरिंग है, तो इंटरेस्ट उतना नहीं जगता है ना, तो आप उसमें मेहनत उतना नहीं कर पाते हैं।
तो ये थोड़ा हार्ड हो सकता है। लेकिन हार्ड होने से नहीं बच्चों, इसको लड़ना पड़ेगा। इसे डरोगे तो दिक्कत होगा, इसे लड़िए, इसको याद कीजिए और आगे बढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन, बाय बाय, शाइनिंग आउट।